ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अब महंगे दिन खत्म, क्योंकि कांग्रेस की सरकार करेगी डीजल पेट्रोल सस्ते। अब महंगे दिन खत्म, क्योंकि कांग्रेस की सरकार करेगी मेरी रसोई गैस सस्ती। सुनो जी, अब बिजली बिल होगा कम, क्योंकि बिजली मिलेगी 1 रुपए प्रति यूनिट 100 यूनिट तक। अच्छा, तो फिर हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अरे अम्मा, अब तो पूरे 1000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी तुमको। और भैया, आपके लिए भी आने वाला है नया सवेरा, जिसमें मिलेगी निशुल्क जमीन और घर बनाने में 2.5 लाख की सहायता भी। और इतना ही नहीं, आपके परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का बीमा और 21,000 रुपए की प्रसूति सहायता भी। और अब हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होगा बड़े से बड़े रोगों का विशेषज्ञों द्वारा इलाज। तो बोलो, हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। जनता की उठी आवाज, कुशासन से लेंगे राज। भ्रष्टाचार प्रदेश में अब ना चलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। अब कांग्रेस, ओ अब कांग्रेस। प्रत्येक महिला को मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन, और प्रदेश की बेटियों के लिए प्राइमरी से पीएचडी तक की शिक्षा होगी निशुल्क। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता। व्यापम होगा बंद और मिलेगा कारोबार के लिए आसान कर्ज। किसानों का कर्जा माफ और होगा बिजली बिल हाफ। व्यापारियों को मिलेगी सभी करों पे छूट एवं शुल्क में भी होगी कमी। मालवा से निकली आवाज, बुंदेलखंड ने किया ऐलान। बघेलखंड ललकारा है, निमार ने भी पुकारा है। महाकौशल ने दी आवाज, चंबल ने भी गुहारा है। वक्त बदलने वाला है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हार्दिक पटेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को हराना चाहते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं। हार्दिक सीहोर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने आए गुजरात के स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह ठाकुर के पक्ष में मतदाताओं को वोट डालने की अपील की है। वहीं हार्दिक पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि शिवराज मुख्यमंत्री बने। शिवराज फिर मुख्यमंत्री बने तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हो जाएंगे। मैं तो यही समझता हूँ, मोदी जी चाहते कि शिवराज सिंह जीते ही नहीं, क्योंकि इस बार जीत गए तो शायद 2019 के गठबंधन में पीएम के लायक वो हो जाए। तो चुनावी मामला है, पॉलिटिकल ड्रामा भी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को नुकसान है, शायद छत्तीसगढ़ में वो जीत सके, क्योंकि वहाँ भी जोगी और मायावती का गठबंधन है उसी वजह से। लेकिन यहाँ तो लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, क्योंकि कल जब मैं आ रहा था तो कई लोगों को मैंने, टैक्सी वालों को या कि जो ऑटो वालों को मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार तो कांटे की टक्कर है, जो पहले था 2003 में या 8 में या 13 में, ऐसा इस बार नहीं है। हार्दिक पटेल ने सुरेंद्र सिंह ठाकुर के समर्थन में सभा को संबोधित किया। हार्दिक स्थानीय मुद्दों से बचकर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब व्यापम बंद, अब नौकरियों में मिलेगी पारदर्शिता। हाँ पता है, अब करेंगे स्टार्टअप चालू, क्योंकि पूरे 4,000 रुपए महीना स्वरोजगार सहायता जो मिलने वाली है। बिल्कुल सही कहा, अब मुझे भी टेम्पररी संविदा नौकरी की टेंशन खत्म, अब मिलेगी पक्की नौकरी और पक्की तनख्वाह।
और तो और अच्छी सैलरी और जॉब के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जॉब्स यहीं आएंगे। कांग्रेस सरकार देगी हमारी तनख्वाह में 10,000 तक का योगदान। ये बात तो बोलो यारो, तुम्हारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। देखो अब मुझे मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन। स्वावलंबी महिलाओं का वक्त बदलेगा, क्योंकि हमारे स्व सहायता समूह के भी कर्ज होंगे माफ और नए कर्ज में मिलेगी रियायत। अरे अब मेरी बेटी की संपूर्ण शिक्षा होगी निशुल्क और अब महिला स्वास्थ्य में आएगी नई क्रांति, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन होंगे निशुल्क उपलब्ध। तो बताओ हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चियों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।